नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहर। इस वक्त देश में चर्चाएं राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब कयास लगने शुरू हो गए हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है और इसकी चर्चाएं दिल्ली में जोर शोर से हो रही हैं। मुस्लिम चेहरा होने की वजह से माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा केंद्र सरकार में वो जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे तो उन्होंने समाज के लिए शानदार काम किया, जिसकी तारीफ पीएम मोदी भी करते रहे। अब मोदी कैबिनेट को बाय बाय कहने के बाद नकवी नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। इस दौरान नकवी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो उपराष्ट्रपति बनाए जाएंगे या फिर नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा नकवी ने एक और बड़ी बात कही और कहा कि मैंने ये शपथ नहीं ली थी कि मुस्लिमों के विकास के लिए ही काम करूंगा। बता दें कि ये सब बातें मुख्तार अब्बास नकवी ने दैनिक भास्कर के साथ अपने साक्षात्कार के दौरान कही, जहां नकवी से पूछा गया कि देश में मोदी सरकार आने के बाद मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शून्य सा हो गया है। इसके जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सभी मंत्रियों ने संवैधानिक रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए, खास तौर पर आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए संकल्प लिया। मैंने कभी शपथ नहीं ली कि मैं मुसलमानों के विकास के लिए काम करूंगा। केंद्र की नीति और नियत सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की रही है, योजनाएं सबके पास पहुंचे। वहीं नुपुर शर्मा मामले पर नकवी ने जिस तरीके से कमान संभाली थी उससे उनकी खूब तारीफ हुई थी और इसीलिए पीएम मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। नुपुर मामले को लेकर जब नकवी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, देश में कोई बड़ी आतंकी घटनाएं नहीं घटी, ये चीजें विरोधियों को हजम नहीं हो रही हैं। आम मुसलमानों का माइंडसेट विरोध का कभी नहीं रहा। इन्हीं सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल आया जब मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा गया, आपको एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा या जम्मू कश्मीर का राज्यपाल। इसके जवाब में नकवी ने कहा, मैं पूरी तरह से अनजान हूं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मतलब मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कर दिया और इस जवाब के साथ उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपने नाम की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन चर्चाएं यही है कि एनडीए की तरफ से उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, बस नाम के ऐलान की औपचारिकता बाकी है। बता दें कि देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, 21 को उसके परिणाम आएंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव पर सबकी नजरें टिक जाएंगी। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नकवी को उपराष्ट्रपति बनाकर बड़ा संदेश बीजेपी दे सकती है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से नकवी ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैंने कभी शपथ नहीं ली कि मैं मुसलमानों के विकास के लिए काम करूंगा, ना ही मुझे अभी ये पता है कि मुझे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर नहीं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।